बैक टू अगेन हमारे चैनल पर आपको स्वागत है। बहुत लोगों का इस वीडियो का इंतजार होगा और कर भी रहोगे। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट में पढ़ रहा था, तो बेसब्री जो भी आपका था इंतजार का खत्म हो चुका है, अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम कटअप की बात ही करने वाले हैं, यानी सीटी भुवनेश्वर के कैंपस के बारे में इस कटअप की बात कर लेंगे। और इससे पहले भी इस कॉलेज के बारे में बहुत सारे वीडियो बनाया हुआ है, जिसको बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह जानना हो इस कॉलेज के बारे में आप लास्ट वीडियो जाकर वहां चेक कर सकते हो, मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो हम इस वीडियो में बीटेक जो इंजीनियरिंग ब्रांच जो ब्रांच वाइज है उस कटअप का हम डिस्कस करेंगे। जो लोग भी कैटेगरी वाइज है सब कटअप का हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना तभी आपको समझ में आने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक या जरूर करो, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा हूँ और मैं आपके लिए बहुत ज्यादा वीडियो और कटअप जो है पूरा एडवाइस करके ही बना के आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने कटअप को। तो बीटेक में पहला ब्रांच जो सबसे डिमांडेड ब्रांच है आज के टाइम का, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, जो जनरल कैटेगरी वाले फ्रेंड है, जो भी स्टूडेंट है जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उड़ीसा डोमिसाइल से, तो उनका जो कटअप क्लोजिंग रैंकिंग है 60,000 है। एससी कैटेगरी का 1,40,000 रैंक तक है कटअप का क्लोजिंग, एसटी कैटेगरी का 1,80,000। ये कंप्यूटर साइंस ब्रांच का है। अब अगला ब्रांच आता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच, जनरल कैटेगरी का 75,000, उसके बाद आपका एससी कैटेगरी का 2,40,000, एसटी कैटेगरी का 3,60,000। इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले के लिए जनरल कैटेगरी 90,000, एससी कैटेगरी 2,20,000, एसटी कैटेगरी 3,60,000। ये आपका क्लोजिंग रैंक का बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग वाले के लिए जनरल कैटेगरी 1,30,000 रैंक, एससी के लिए 2,90,000, एसटी के लिए 7,00,000 रैंक। मैकेनिकल ब्रांच में जनरल कैटेगरी का 1,35,000, एससी कैटेगरी का आपका 2,40,000, उसके बाद आपका एसटी कैटेगरी 4,50,000 आपका ये क्लोजिंग रैंक है आपका। सिविल ब्रांच के लिए वही जनरल कैटेगरी का 2,00,000, एससी का 2,70,000, एसटी का 6,00,000, बायोटेक्नोलॉजी में 2,50,000, उसके बाद आपका एससी में 5,00,000, एसटी में आपका 9,00,000 रैंक। और जो आर्किटेक्चर वाले हैं जो भी काउंसलिंग करेंगे उनके लिए जनरल कैटेगरी में अगर 10,000 के अंदर रैंक है, जो आर्किटेक्चर पेपर होता है उसमें आपका 10,000 रैंक जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी के लिए 22,000 और एसटी कैटेगरी में 15,000 रैंक अगर है तो आपको क्लोजिंग रैंक में ये चीजें मिल जाएंगी। बाकी जो ब्रांच छूट गए हैं उस ब्रांच में कोई क्लोजिंग रैंक नहीं है, इनमें सीट जो भी ब्रांच छूटे हुए हैं उन ब्रांचेस में सीटें मिल जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उस ब्रांच को देखते नहीं है। जो डिमांडेड ब्रांच है उसमें बेसिकली ब्रांच आपका बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी मैकेनिकल सिविल देखने को मिलता है, ये ब्रांच में ज्यादा डिमांड रहता है तो थोड़ा सा क्लोजिंग इस पर ही जाता है। उसके बाद ये क्लोजिंग रैंक का बात हुआ। अब ये भी सोचना है कि कैसे हम स्मार्ट वर्क से काउंसलिंग करें कि मेरे को अपना पसंद का सीट मिल जाए, तो ये क्लोजिंग रैंक है। ठीक है, ऐसा देखा गया है कि ज्यादा रैंक वाले बच्चों को भी अच्छा ब्रांच मिल जाता है। उसके लिए रीजन होता है कि अगर सीट वैकेंट रह गया, ठीक है, जब भी कॉलेज का खुद का अपना स्पोर्ट राउंड कह सकते हो चाहे वैकेंट राउंड की काउंसलिंग जब होती है, उस काउंसलिंग में भी आपको चांसेस मिलता है कि खराब रैंक है तभी आपको अच्छा ब्रांच मिल जा रहा है, तो उसके लिए पैसेंस करना पड़ता है। अभी कैसे मिलता है इसके अंदर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सपोज मान लो एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम है राहुल। अब राहुल क्या किया आपका, इसके लिए भी काउंसलिंग कर रहा है विषय जय के लिए भी और दूसरा काउंसलिंग भी कर रहा है, तो उसको मान लो कहीं आईआईटी कॉलेज में सीट मिल गया और सीटी में भी सीट मिला हुआ है, तो यार ऑफकोर्स कैसा है कि वो आईआईटी कॉलेज को चूज करेगा, तो उस बेसिस में सीटी का सीट कैंसिल कर लेता है, तो वहां पर सीट उसको मिल जाता है। अगर जो बच्चा का थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा वहां रखता है, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको एक एक्सपर्ट पेड काउंसलर भी रखना जरूरी है जो आपको गाइड करेगा, क्योंकि बार बार पढ़ाई आता नहीं है और काउंसलिंग बार बार होता नहीं है, तो आप एक एक्सपर्ट सलाहकार की सलाह जरूर लो ताकि आपको हेल्प करेगा। और मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे सलाहकार जुड़े हुए हैं, अगर आपको उनकी हेल्प चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट करके उनका नंबर लेके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा चार्जेबल भी नहीं है। बाकी इसके रिगार्डिंग कुछ भी अगर डाउट्स हो और कुछ पूछना हो तो आप मेरे से पर्सनली कॉन्टेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।